नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि। और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर से, जो कि पुंछ से आ रही है। पुंछ में हुई है एक साजिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध धमाका हुआ है। रात करीब 11:15 पर सुनी गई धमाके की आवाज। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है। पुंछ में संदिग्ध धमाके की जांच जारी है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दीवार पर धमाके के निशान भी मिले हैं। पुंछ में संदिग्ध धमाके की जांच की जा रही है। धमाका कहां से हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। आधी रात को ये धमाका हुआ है और दहशत फैलाने की कोशिश एक बार फिर से घाटी में की गई है। रात करीब 11:15 पर सुनी गई धमाके की आवाज और धमाके के निशान दीवार पर साफ साफ दिखाई देते हैं। और आपको दो तस्वीरें हम दिखाएंगे कैसे ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। धमाका इतना जोरदार था कि उसके निशान दीवारों पर देखे जा सकते हैं। वही सूचना मिलने पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और ब्लास्ट की फिलहाल जांच की जा रही है। तो देखिए दो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धमाका हुआ और उसके बाद जो जांच चल रही है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसकी साजिश है, कहा यह जा रहा है कि जिला अस्पताल के नजदीक संदिग्ध विस्फोट हुआ। मंगलवार रात लगभग 11:15 पर धमाका हुआ और एफएसएल टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची है। देखिए ठीक एक हॉस्पिटल के पास ये धमाका होता है। मंगलवार रात लगभग 11:15 की घटना है। ग्रेनेड से धमाके की जताई जा रही आशंका। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों का क्या कहना है। छोटे छोटे शरे ऊपर जैसे टैंकी है वो भी पूरी लीक हो गई है। उसके बाद तकरीबन मतलब इतना जोर की आवाज़ आई जैसे कि बफोर्स तोफ की गोले की आवाज़ होती है। बहुत ही बड़ा जो है एक ब्लास्ट हुआ है जिसकी आवाज़ जो है पूरी पुंछ के अंदर आई है। हमारा इलेक्शन भी आ रहा है। इस शख्स ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी की है। इसने देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हम ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसी घृणित हरकत उस शख्स ने यहाँ पे की है।